यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्स so, आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कैपिटल गेन अब अपन चालू करने वाले हैं आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और उसके साथ साथ में हम रिवाइज करेंगे क्रिप्टो करेंसी वाला टॉपिक दैट इज द वर्चुअल डिजिटल अस्टेट तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम जाती है जो इनकम सैलरी हेड हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन में नहीं आती वो इनकम आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन फिफ्टी और 56 फिफ्टी 2 ये बोलती है कि भैया ये ये वाली इनकम है जो नॉर्मली यहां पे टैक्सेबल हो जाएगी कौन कौन सी इनकम यहां अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है सबसे पहले अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड का इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल होता है लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर आपके लिए शेयर है वो स्टॉक इन ट्रेड है तो उस पर्टिकुलर केस में डिविडेंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा जो विनिंग का इनकम है फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड गेम गेम पजल्स शो एज वेल एज द हॉर्स रेसेस वो विनिंग का इनकम तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा

तो एव रेंट यू टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रॉयल्टी का इनकम है वो यहां टैक्सेबल होता है एग्रीकल्चर का इनकम एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अगर इंडियन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो पूरा एक्सेंट हो जाता है लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर है और वहां से एग्रीकल्चर इनकम होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डायरेक्टर सिटिंग फीस अगर वो सैलरी हेड में नहीं जाता डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में फ्रॉम अदर और उसके बाद एमपी एम एल एम ए को जो भी सैलरी मिलती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकॉज दे आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल सो इट हैज टू भी टैक्सेबल अंडर इनकम अदर सोर्सेज उसके बाद यहां पे सबसे जो मेन पार्ट आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में दैट इज द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो गिफ्ट का पैसा आएफर्स में टैक्सेबल होता है कैसे होता है क्या होता है उसमें एक दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है ड्यू टू द एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो वो गिफ्ट आपके लिए हमेशा ध्यान रखना इट इट इज इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द द हेड सैलरी इवन ऑन ओकेजन ऑफ द मैरिज अगर भले वो मैरिज पे मिला है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिला है ड्यू टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप और एम्प्लॉयर क्या करेगा उसका खर्चा क्लेम करेगा तो एम्प्लॉय के हाथ में वो गिफ्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी दूसरी चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको कोई भी गिफ्ट है बेनिफिट है ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन मिला है दैट इज ऑल अंडर हेड पीजीबीपी ड्यू टू सेक्शन ट्वेंटी एट की वजह से टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाता है तो डेटर से कोई गिफ्ट मिला क्रेडिटर से कोई गिफ्ट मिला या फिर आपके वेंडर से वगैरह कोई भी गिफ्ट मिलता है इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी या अकाउंटेंट को क्लाइंट से गिफ्ट मिलता है इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अब अगर कोई गिफ्ट वो दो ऊपर वाले हेड में नहीं जाता तो वो आई एफ में जा सकता है बट आई एफ में कैसे जाएगा क्या जाएगा वो आप समझने की कोशिश करना यहां पे एक सेक्शन होती है फिफ्टी सिक्स टू टेन करके और वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन एग्जाम में एमसीक्यू एटलीस्ट आने का चांस इससे रहता है

होगा कैसे होगा वो अपन समझते हैं तो सबसे पहले अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आते हो

अगर कोई पर्सन डेथ बेड पे है और अगर उसने क्या किया कि किसी को गिफ्ट कर दिया कॉल्ड ऑफ डेथ उसके बाद एच का मतलब अगर आपको किसी हॉस्पिटल से मिलता है यू का मतलब आपको किसी यूनिवर्सिटी से मिलता है टी का मतलब आपको किसी ट्रस्ट से मिलता है या ट्रस्ट को मिलता है करके ठीक है और यहां पे एल ए का मतलब होता है आपको किसी लोकल अथॉरिटी से मिलता है तो फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा ITC क्या होता है अभी थोड़ी देर में अपन चेक कर लेंगे तो देखो मैंने क्या बोला अगर आपको कोई भी असेट है वो गिफ्ट में मिलती है और अगर आप बाय और रिलीजियस ट्रस्ट एंड यहाँ पे एल uh, का मतलब होता है लोकल ऑथॉरिटी और आई टी सी वी विल डिस्कस लेटर अगर आप इसमें आते हैं तो फिफ्टी सिक्स टूटेंट नहीं लगेगा बट अदरवाइज आपको फिफ्टी To 10 लग जाएगा, लेकिन अदरवाइज में अगर आप मिस्टर आई हटला आई में नहीं आते तो वहां पर फिफ्टी सिक्स टू टेन लगेगा कैसे लगेगा सबसे पहले अगर मान लो आपको मनी गिफ्ट में मिलता है मनी का मतलब होता है मनी गिफ्ट में मिलता है मनी का मतलब कैश बैंक चेक वो आपको गिफ्ट में मिलता है और अगर आपको एग्रीगेट मनी पूरे साल एग्रीगेट जैसे फॉर एक्साम्पल मुझे फोर पीपल हियर इंडिविजुअल इज नॉट मोर देन फिफ्टी बट एग्रीगेट इट इज एटी थाउजेंड इट इज मोर फिफ्टी थाउजेंड इज इट इज फुली टैक्सेबल आंसर इज यसर टोल एटी टैक्सेबल नॉट ओनली थर्टी हियर टोटल एटी थाउजेंड

बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल असेट दैट इज वीडिए क्रिप्टो करेंसीट होगी कौन कौन सी ज्वेलरी ड्रॉइंग स्कर्जिकलियन अगर विदाउट मिल कंसिडरेशन मिलती है और एग्रीगे फेयर मार्केट वालू इज मोर फिफ्टी थाउजेंडन इट इज फुली टैक्स अगर यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वाल्यू इज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड इट इज फुली टैक्सेबल जैसे लो मुझे थर्टी थाउजेंड का किसी से शेयर मिला थर्टी थाउजेंड का मुझे ज्वेलरी मिला थर्टी थाउजेंड का मुझे क्रिप्टो करेंसी मिला टोटल इट इज इज इट फुल्ली टैक्सेबल इन माय हैंड बट अगर मान लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता आप क्या करते हो कहीं से परचेस कर रहे हो बट आप लो कंसिडरेशन पे परचेस कर रहे हो आप ये 10 क्या कर रहे हो हो लो पे एक्वायर करते तो लॉ बोलते हैं कि अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एग्रीगेट कंसिडरेशन है अगर उसका डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो आपके हाथ में डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तीसरा अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग वो आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और वहां पे पर प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन दे थाउजेंड इज फुल्ली टैक्सेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो तो पर प्रॉपर्टी स्टेम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड एंड एस डी बी इज मोर देन वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन तो उस पर्टिकुलर केस में आपके हाथ में डिफरेंस है वो आया फोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा तो देखिए मैंने क्या बताया ये जो चार्ट है इसको मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा रहा हूं समझने की कोशिश करना देखो सबसे पहले ऑन और आफ्टर फर्स्ट है सबसे पहले अगर आप मिस्टर हटला आईटीसी में आते हो तो ये सेक्शन लगेगी ही नहीं बट अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में नहीं आते हो अदरवाइज में तो क्या देखो तीन पार्ट फर्स्ट पार्ट इज अ मनी अगर आपको मनी मिला एंड एग्रीगेट मनी इज मोर देन फिफ्टी इट इज फुल्ली टैक्सेबल दूसरा अगर आपको मूवेबल असेट मिलती है बट मूवेबल कवर्ड ओनली टेन असेट कौन कौन सी शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंगल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल ये सिर्फ मिलती है अगर आपको फ्री में मिला एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल अगर आपको लो कंसिडरेशन पे मिलता है तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड इज टैक्सेबल अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पर प्रॉपर्टी

अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मनी के केस में यहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया दैट इज द एग्रीगेट या मूवेबल के सेट के केस में भी मैंने जो वर्ड यूज किया है दैट इज द एग्रीगेट बट आप इमूवेबल के प्रॉपर्टी के केस में देखेंगे तो यहां पे पर प्रॉपर्टी वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि देखिए मनी में अगर मान लो आपको मनी 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 मिलता है तो उसको एग्रीगेट करना है और फिफ्टी थाउजेंड चेक करना है मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री 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 को एग्रीगेट करेंगे करके ठीक है मूवेबल प्रॉपर्टी लो लो को एग्रीगेट करेंगे बट बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी में एग्रीगेट नहीं करना इसका मतलब क्या हुआ मुझे मान लो पर प्रॉपर्टी एक फोर्टी थाउजेंड एसडीवी का प्लॉट मिल गया और फोर्टी थाउजेंड एसडीवी का मुझे घर मिल गया फ्री

सी है, वो रिलेटिव है तो उसके रिलेटिव में कौन कौन आएगा तो सबसे पहले उस इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर एंड ब्रदर के स्पाउस एंड सिस्टर के स्पाउस मतलब ब्रदर की स्पाउस कौन होती है भैया भाभी और दीदी और जीजू उसके बाद में उस इंडिविजुअल के स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड उसके बाद इस का brother और brother की spouse, इस spouse का ब्रदर 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 और की मतलब साला करके ठीक है अगर मैं मान लो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो साला और साले की वाइफ करके और दूसरा स्पाउस की सिस्टर और उसके स्पाउस मतलब आपकी साली और साढ़ू भाई वो आपके रिलेटिव हो जाएंगे उसके बाद इंडिविजुअल के मदर फादर है वो रिलेटिव है बट मदर फादर के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस भी रिलेटिव है अगर आप यहां पे मदर को देखोगे तो मदर का ब्रदर मतलब मामा और मामी और मदर की सिस्टर मतलब आपकी मौसी और मौसा जी। अगर आप फादर से मतलब, मतलब दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी पढ़ दादा पड़ दादी पड़ नाना पड़ानी ना, ना अगर वो जिंदा है तो वो भी आपके रिलेटिव है उसके बाद उस इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर एंड फादर में आपके सास ससुर हो गए करके ठीक है और अगर इंडिविजुअल के स्पाउस के जो लीनियल असेंडेंट एंड देयर स्पाउस है वो भी रिलेटिव हो जाएंगे उसके बाद उस इंडिविजुअल और उसके स्पाउस के खुद के जो लीनियल डिसेंडेंट है और उनके स्पाउस है वो भी रिलेटिव होंगे लीनियल डिसेंडेंट मतलब मेरी बात करू तो मेरा बेटा करके ठीक है मेरे बेटे की बीवी मतलब बहू वो मेरे रिलेटिव है मेरी बेटी और मेरी बेटी के हस्बैंड है वो रिलेटिव है उनके बच्चे होंगे वो भी रिलेटिव है दैट इज कॉल्ड लीनियल डिसेंडेंट अब एक चीज समझना यहाँ पे एच यूएफ के, के केस में कोई भी मेंबर ऑफ द मेंचयूएफ है वो रिलेटिव माना जाएगा मीन एच यूएफ़ के लिए जो भी मेंबर रहेगा दैट मेंबर इज ट्रीटेड एज अ रिलेटिव एक और चीज समझना यहां क्या ऐसा जरूरी है कि अगर आपके लिए कोई पर्सन रिलेटिव है तो आप भी उसके लिए रिलेटिव आंसर इज नो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए मेरे अंकल रिलेटिव है बट अंकल के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं मींस आई रिसिव्ड एनीथिंग फ्रॉम द अंकल अगर मुझे अंकल से कुछ भी मिलता है तो वो एग्जेम्ट है बट अंकल को मेरे से कुछ मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा क्योंकि एक बात बताइए अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए मेरे फादर के ब्रदर मींस अंकल है वो मेरे रिलेटिव है। बट अगर आप अंकल को यहाँ एस एस बनाते हो तो अंकल के लिए मेरे फादर तो रिलेटिव है बट फादर के बच्चे जो है वो मैं उनके लिए रिलेटिव नहीं हूँ तो फॉर मी माई अंकल इज रिलेटिव बट फॉर अंकल आई एम नॉट अ रिलेटिव सो एनीथिंग आई रिसीव फ्रॉम द अंक दैट इज टोटली एक्जेमटेड बट अंकल रिसीव एग फ्रॉ मी दैट इज नॉट गोइंग टू बी

इंडिविजुअल ने कोई प्राइवेट रिलीजिय प्राइवेट ट्रस्ट बनाया कोई इंडिविजुअल है वो प्राइवेट ट्रस्ट बनाया और वो प्राइवेट ट्रस्ट है वो उसके इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है तो वो प्राइवेट ट्रस्ट को जो मिलेगा दैट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल आई कैन टेक टेकाम्पल मुकेश अंबानी ने क्या किया अगर नीता अंबानी को कोई गिफ्ट किया तो ऐसे भी टैक्स नहीं लगेगा बट मुकेश अंबानी ने एक ट्रस्ट बनाया जो कि नीता अंबानी के बेनिफिट के लिए है तो ट्रस्ट को कोई भी गिफ्ट देंगे मुकेश अंबानी दैट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल उसके बाद में आई आई वाला हो गया करके इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को दिया और ट्रस्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल उसके बाद टी का मतलब होता है देखिए यहां ऊपर क्या बोला हुआ है, अगर आपको फ्रॉम हॉस्पिटल मिला फ्रॉम यूनिवर्सिटी मिला करके ठीक है बट अगर मान लो बाय बाय हॉस्पिटल मिला यूनिवर्सिटी मिला तो तो उनको भी टैक्स नहीं लगेगा तो टेन ट्वेंटी थ्री सी में जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है देन इट इज नॉट टैक्सेबल उसके बाद सी आता है आईटीसी में सी का मतलब होता है सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर यू नो दैट कैपिटल गेन में कुछ ट्रांजेक्शन होते ट्रांसफर नहीं माने जाते उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें अगर कोई असेट मिलती है तो फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा कहा क्लॉज -कहां है दट इज द्लॉज नंबर वन अगर एच यू एफ का पार्टीशन हो जाता है और एच यू एफ के पार्टीशन पर अगर मेंबर को कोई भी असेट मिलती है तो फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा उसके बाद क्लॉज नंबर फोर एंड क्लॉज नंबर फाइव क्लॉज नंबर फोर एंड फाइव होता है अगर हंड्रेड परसेंट होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को अटेट ट्रांसफर करती है सब्सिडी कंपनी है वो हंड्रेड परसेंट होल्डिंग कंपनी को

आप दिल्ली के रेजिडेंट है और दिल्ली के रेजिडेंट कहां पे है पता है दिल्ली में जो अनऑथोराइज कॉलोनी है

कि कंपनी का मैनेजमेंट है वो करप्ट हो जाता है और उसका जो मैनेजमेंट है वो फिर क्या करती है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है और फिर वो एनसीएलटी को ट्रांसफर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है नए डायरेक्टर अपॉइंट करती है और एनसीएलटी फिर क्या करती है वहां पे एक रिजोल्यूशन प्लान लाती है और रिजोल्यूशन प्लान लाके और उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या करते हैं रिवाइव करने की कोशिश करते हैं तो जब रिवाइव करते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी के या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी के या सब्सिडरी के सब्सिडरी कंपनी के, के आपको अगर कोई शेयर मिल जाते हैं अनकोटेड शेयर मिल जाते हैं आपको तो वहां पर

in 2022 सॉरी 2020 अब एक चीज समझता है इस रिवाइवल प्लान में क्या किया था कि जो भी पर्सन है वो अगर यस बैंक के शेयर खरीदना चाहता है तो आपको पता है तो में में शेयर शेयर इशू किया था 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 दैट टाइम मार्केट जो ट्रेड कर कर रहा रहा वो अप्रोक्स पे और लोगों को सिर्फ बारह रुपए में शेयर दिया गया जैसे जो अपनी एस है या आईसीआईसी बैंक है एच बैंक है इन्होंने इन्वेस्ट किया था और इन्होंने ट्वेल्ल पे इन्वेस्ट किया था तो ये तो मार्केट वैल्यू से कम पे इन्वेस्ट हुआ है तो क्या यहाँ पे फिफ्टी सिक्स लग जाएगा आंसर इज नो यहाँ पे फिफ्टी सिक्स नहीं लगेगा एक और चीज समझ

अमेंडमेंट आया ये अमेंडमेंट क्या बोलता है इसी साल आया ये अमेंडमेंट

डिपेंडेंट आप पे। अगर लो उनको कोविड हुआ और आपको क्या हुआ के के आपको लोगों ने कोविड तो के ट्रीटमेंट के लिए अगर लो किसी से कोई पैसा मिलता है तो कितना भी पैसा मिला, वो पैसा अगर आपने होगा जैसे फॉर एन एक्साम्पल एक बंदा है मिस्टर राज। राज के घर में किसी कोविड हुआ और उसके पास पैसे नहीं थे उसने लोगों से हेल्प मांगी लोगों ने उसको हेल्प की जो पैसा मिला इट इज लग जाएगा फिफ्टी सिक्स में आंसर इज नो वहां पर में टैक्स नहीं लगेगा, भैया आपका कंडीशन है है है। है है, कि कि वो खर्चा खर्चा जो उसने जो उसने ट्रीटमेंट कोविड कोविड से से रिलेटेड बीमारी इलनेस पे किया है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। और डेथ कब होनी चाहिए? कि जैसे ही हुआ, उसको हुआ, उसके बाद में के टाइम ने डेथ के टाइम को तो अगर मान लो किसी भी पर्सन की कोविड से डेथ हो जाती है जब कोविड का जो क्लिनिकल ट्रायल उसका हुआ और वो पॉजिटिव पाया गया उससे सिक्स मंथ के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए और डेथ के बाद उसके घर वालों को लोगों ने हेल्प की तो क्वेश्चन ये आता है फैमिली मेंबर को जो भी पैसा मिला क्या वहां फिफ्टी सिक्स टू टेन लगेगा यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर फैमिली मेंबर को पैसा उस पर्सन की जिसकी डेथ हुई है उसके एम्प्लॉयर से मिला कितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर से मिला कितना भी अमाउंट इवन वन करोड़ टू करोड़ अगर 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 परसन से मिला तो ट्रीटमेंट ,00 तो तो के लिए किसी से कुछ पैसा मिला और आपने ट्रीटमेंट पे एक्चुअली स्पेंड कर दिया उतना एग्जाम उस पर टैक्स नहीं लगेगा दूसरा किसी पर्सन की डेथ हो गई और डेथ के बाद फैमिली मेंबर को लोगों ने हेल्प किया और फैमिली मेंबर को पैसा मिलता है पैसा किससे मिलता है अगर ठीक है एम्प्लॉयर से मिला

सर आईएफओएस में क्या होता है कि अगर मान लो आपको आईएफओएस में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है लो कंसीडरेशन पे तो डिफरेंस टैक्सेबल होता है अगर पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसीडरेशन का डिफरेंस 50000 से ज्यादा है तो है एंड एसडीवी इज मोर देन 110% ऑफ कंसीडरेशन तो डिफरेंस टैक्सेबल होता क्या यहां पे अगर अपन एसडीवी से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हमारा केस वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है आंसर इज यस हो सकता है जैसा आपने 56 जैसा आपने 50 सी में पढ़ा था कैपिटल गेन में वैसा का वैसे आप वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर करा सकते हो असेसिंग ऑफिसर कर सकता है वैल्यूएशन

या आपने लो कंसिडरेशन पे एक्वायर कर ली और आपने अगर आई एफ ओ एस में टैक्स भर दिया अंडर फिफ्टी सिक्स टू टेन ऑन द एस या फिर एफ एम वी एफ एमवी एसडीबी पे आपने अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स तो सोर्स एफ एम जाएगा जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे मान लो मेरी वाइफ ने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की तो मेरे हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और मैं उस प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर में बेचता हूं तो कॉस्ट क्या लूंगा कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से बट मान लो आपने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की तो आप तो तो मेरे रिलेटिव तो नहीं हो, वो मिस्टर में तो नहीं आते तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा उसकी एस डी पे आई एफ में टैक्स भरूंगा और उस एस पे मैंने आई में टैक्स भर दिया तो इन फ्यूचर में जब भी मैं उस असेट को बेचूंगा तो भैया कॉस्ट क्या लेंगे वो एस डीबी जिसपे मैंने आई एफ में टैक्स भरा है और फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ गिफ्ट से ही लेंगे और अगर इंडेक्सेशन होता है तो वो भी आपका डेट ऑफ गिफ्ट से ही रहेगा। फिर यहां पे प्रीवियस का कोई लेना देना नहीं है या फिर मान लो फॉर एक एक में खरीदा और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एटी लैख है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा फिफ्टी लैख तो मैंने खरीदने का दिया और एटी लैख का एसडीबी है यहां डिफरेंस फिफ्टी से ज्यादा और एसडीबी जो है वो कंसिडरेशन के वन से ज्यादा है तो डिफरेंस ऑफ थर्टी इज टेक्सेबल इन ऑफ मी सो बीबी सर के हाथ में यहाँ थर्टी लैक टैक्सेबल हो गया तो एक बात बताइए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब क्या बनेगी एटी बिकॉज फिफ्टी लैक आई ऑलरेडी पेड एंड ऑन थर्टी लैक आई ऑलरेडी पेड द टैक्सेज अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सो अर पे एटी लैक मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी अब एक और चीज समझना एक और सेक्शन आती है दैट इज द फोर्टी थ्री सी ए फोर्टी थ्री सी ए जस्ट अ रेप्लिका ऑफ सेक्शन फिफ्टी सी एक पता है अपन ने फिफ्टी सी सेक्शन पढ़ी थी कैपिटल गेन में वहां पे क्या था कि अगर आप कोई कैपिटल ट्रांसफर करते हो एंड एसडीबीज एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन तो एसडीवी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है बट वो सेक्शन कैपिटल गेन में सिर्फ कैपिटल असेट पे लगती थी लेकिन व्हाट अबाउट द स्टॉक इन ट्रेड बिल्डर के लिए क्या होगा तो बिल्डर के लिए एक नई सेक्शन डाल रखी है और ये क्या बोलती है कि अगर कोई भी बिल्डर है और बिल्डर के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है स्टॉक इन ट्रेड है और अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और SDV आपके कंसिडरेशन के वन से ज्यादा है तो एसडीबी विल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम लेकिन अगर आप SDV से सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या यहां पर भी आपका केस ऑफिसर को जा सकता है आंसर इज यस जा सकता है अब एक और चीज समझना बेटा आपने पता है 50 सी में मैंने आपको यह बताया था कि एसडीवी कौन सी डेट की लेनी है एसडीबी में मैंने आपको वहां बोला था एसडीबी नॉर्मली रजिस्ट्रेशन की डेट की लेनी है बट रजिस्ट्रेशन की डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीबी ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या यह पर्टिकुलर सिस्टम आपके यहां पे

में भी ऑप्शन है कि नॉर्मली क्या होता है आप रजिस्ट्रेशन की डेट की लीजिए बट अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है और अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है बाय अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट तो आप अग्रीमेंट की डेट की एच डीवी ले सकते हैं तो इन सिंपल वर्ड बता दू फिफ्टी सी फोर्टी थ्री सी एंड फिफ्टी सिक्स टू टेन तीनों सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है अग्रीमेंट की डेट की एच लेने का बट अग्रीमेंट की डेट तक कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है या रिसीव हो गया है बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यार इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इज डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एन एफ टी आर टी एस आएमपीएस भीम यूपीआर क्यूआर कोड उससे अगर पेमेंट किया है तो अब एक और चीज समझना सर एक 5627B. 5627B बात बताइए क्या है फिफ्टी सिक्स टू सेवन बी ये बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है अनलिस्टेड कंपनी वो क्या करती है अपने शेयर इशू करती है किसी रेजिडेंट शेयर होल्डर को और शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे शेयर इश्यू कर रही है प्रीमियम पे किसको रेजिडेंट शेयर होल्डर को और अगर इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है इशू प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा है तो जितना भी डिफरेंस है ना वो डिफरेंस उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आई एफ में टैक्सेबल हो जाएगा जैसे आई कैन टेक एक्साम्पल ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड अब मान लो हमारे शेयर का फेस वैल्यू है वो टेन रुपेज है लेकिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे तो टू हंड्रेड रुपेज है और हमने ये शेयर इशू कितने पे किया पता इश्यू किया फाइव हंड्रेड रुपीज पे स्टार्टअप यही करेंगे ना हंड्रेड पर इशू करेंगे तो भैया हमारी उस शेयर की औकात कितनी है टू हंड्रेड रुपीज बट वी आर इशूंग एट फाइव हंड्रेड रुपीजी एट प्रीमियम पहली चीज तो बिकॉज फेस वैल्यू इज ऑनली टेन वी आर इशूंग एट फाइव हंड्रेड तो इसका मतलब ये ये प्रीमियम पे पे इशू हो रहा है तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो आपका इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस दट इ थ्री हंड्रेड रुपीज डिफरेंस बिटवीन फाइव हंड्रेड एंड टू हंड्रेड दट इज द थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये इनकम फ्रॉम

छोटे छोटे स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है मैं बता दूं कोई छोटे छोटे स्टार्टअप मतलब ऐसे स्टार्टअप जिनका

ज्यादा नहीं होना चाहिए उस स्टार्टअप का मिस स्पेडअप शेयर कैपिटल एज वेल एज द लाइक इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम दैट शुड बी अप टू 25 करोड़ रुपीज बट गाइज ट्वेंटीज की लिमिट देखते टाइम अगर कोई भी शेयर है वो नॉन रेजिडेंट को इशू किया है वो कंसिडर नहीं होगा एज वेल एज वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड को इशू किया है वो नहीं होगा ये कंसिडर या किसी स्पेसिफाइड कंपनी को इशू किया स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब होता है कि इंडिया की ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में एंड था। उस कंपनी की नेटवर्क जो है वो लास्ट

प्रीमियम शुड बी अप टू ट्वेंटी फाइव करोड़ करोड़ की लिमिट देखते होगा हो किसी स्पेसिफाइड मतलब होता है कि कोई भी जिसका शेयर है, है उसका लास्ट ईयर का तो बैलेंस के हिसाब से, तो से ज्यादा या फिर टर्न ओवर है वो टू फिफ्टी करोड़ से ज्यादा ऐसी लेकिन एक चीज समझा

रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता लेकिन अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लेट आउट का बिजनेस है या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने का ही बिजनेस है तो वो स्टार्टअप खरीद सकता है दूसरा वो रेसिडें वो रेसिडेंशियल के साथ में कमर्शियल कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता

शेयर और सिक्योरिटी में स्टार्टअप इन्वेस्ट नहीं कर सकता एज वेल एज कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट या यॉट नहीं खरीद सकता जिसकी वैल्यू टेन लेख से ज्यादा है सो so, 10 लाख से ज्यादा वाला जो है वो मोटर व्हीकल वगैरह नहीं खरीद सकता अप टू तो 10 लाख तक वो स्टार्टअप खरीद सकता है लेकिन अगर मान लो उनका लेट आउट का बिजनेस है 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 करके करके ठीक या लीजिंग का है, का बिजनेस बिजनेस हायरिंग स्टॉक इन ट्रेड है तो उस पर्टिकुलर केस में खरीद सकता है वो स्टार्टअप कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीद सकता बट ज्वेलरी का अगर एज एज स्टॉक इन ट्रेड है तो ज्वेलरी खरीद सकता है वो स्टार्टअप कोई भी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर कलेक्शन लाइक या फिर कोई लाइक क्या बोलते हैं उसको एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है बुलियन है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता फॉर द सेवन ईयर तो सिंपल सी चीज मैं बताऊं देखो टू सेवन uh, क्या बोलती है कि अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है पहली चीज तो ये अनलिस्टेड कंपनी पे लगता है क्लोजली हेल्ड कंपनी वो रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हैं तो जो भी इशू प्राइस है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंस है वो IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना ये सेक्शन कहां नहीं लगेगी एक तो छोटे छोटे स्टार्टअप पर नहीं लगेगी छोटे छोटे स्टार्टअप का मतलब होता है कि इनकॉर्पोरेशन से लेकर और नेक्स्ट टेन ईयर तक उनका टर्न ओवर अपू हंड्रेड करोड़ है उसके साथ में और कुछ कंडीशन है वो कंडीशन क्या है उसका पेडअप शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम को मिला के करोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए बट नेक्स्ट सेवन ईयर तक बेटा येट ये नहीं खरीदिशियल नहीं खरीद सकते हैं खरी है है, तो है, है, तो किसी में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूश नहीं कर सकते किसी का शेयर एंड सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते मोटर व्हीकल दस लाख से ज्यादा वाला नहीं खरीद सकते बट अगर मान लो रेंटिंग का बिजनेस लीजिंग का बिजनेस का बिजनेस है स्टॉक इन ट्रेड है तो वो खरीद सकते ज्वेलरी नहीं खरीद सकते बट ज्वेलरी का ही अगर स्टार्टअप है तो पर्टिकुलर केस में खरीद सकते चीज समझना अगर मान लो अगले सेवन ईयर में ये सब नहीं कर सकते बट अगर वायलेशन हो गया तो क्या होगा तो जितना पहले टैक्स नहीं लगाता एंजल टैक्स वो जिस ईयर में वायलेशन होगा उस ईयर में टैक्स लग जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी और उसके साथ साथ में ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और और माना जाएगा ऑफ टैक्स का पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन टू ए करके चलिए डन सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट उसके बाद में एक पॉइंट आता है दैट इज द करके ये बोलता है कि अगर मान लो आपका कोई भी एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट का आपका टर्मिनेशन हो जाता है या मॉडिफिकेशन हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशन

अब आपने क्या किया किसी कहीं से इंश्योरेंस करा दिया कि भैया मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए जॉब गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी अब जॉब से आपका निकाला गया इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा दिया दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसके बाद एक और चीज समझना सेक्शन ये बोलती है कि इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की निकालते टाइम कुछ खर्चों के डिडक्शन आपको मिलेंगे सर कौन कौन से खर्चों के डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं तो सबसे पहली चीज तो मैं बताऊँ अगर आपका कोई डिविडेंट है या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड है तो एक चीज समझना उसके सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होता सिर्फ एक खर्चा अलाउ होता है इंटरेस्ट का आपको डिविडेंड मिला या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड मिला उसके सामने एक ही खर्चा अलाउ होगा खर्चा अलाउ नहीं होता और वो इंटरेस्ट की भी लिमिट है कि डिविडेंड या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो इनकम है उसका अपटू ट्वेंटी परसेंट तक वो इंटरेस्ट हो सकता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरे को डिविडेंड मिला वो वन लाख ,00 मिला और मैंने इंटरेस्ट पे किया वो फोर्टी पे किया तो क्या फोर्टी पूरा अलाउ हो जाएगा आंसर नो no. ओनली आपको कितना है वो ट्वेंटी थाउजेंड अलाउ होगा बिकॉज इज इनकम एंड वन लाख का ट्वेंटी थाउजेंड सो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर में यहां इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा अब एक और चीज समझना बाकी एक चीज ध्यान आप ध्यान रखना फैमिली पेंशन के केस में फैमिली पेंशन कितना टैक्सेबल होता है तो फैमिली पेंशन अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को फैमिली पेंशन मिलता है तो फैमिली पेंशन के केस में क्या होता है कि एक डिडक्शन मिलता है आपका वन थर्ड ऑफ द फैमिली पेंशन और फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पर एनएम विच एवर इज लोअर सो वन थर्ड ऑफ द फैमिली पेंशन और फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पर एनएम विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाता है और एक और चीज समझना अगर मान लो यहाँ पे फैमिली पेंशन मिल रहा है वो कोई भी पर्सन की अगर मान लो जैसे फोर एन एग्जाम्पल अपने जो सेना में जो मिलिट्री में जो काम करते हैं करके ठीक है सैनिक जिसकी वजह से से आज अपन यहां पे आराम से पढ़ रहे हैं बिकॉज वो लोग अपने को सुरक्षित फील कराते हैं तो वो अगर आर्म फोर्सेस के कोई भी एम्प्लॉय है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के कोई एम्प्लॉय है और उनकी अगर मान लो वो शहीद हो जाते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए और उनके घर वालों को कोई फैमिली पेंशन मिलता है तो वो पूरा एग्जेप्ट हो जाएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एज वेल एज एक और चीज समझता कि अगर कोई भी पर्सन है जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उसको अगर परमवीर चक्र मिला था या फिर वीर चक्र मिला था या फिर महावीर चक्र मिला था

अदर एक्सपेंडिचर कोई भी अगर अदर सोर्सेस के एक्सपेंडिचर है अदर इनकम के सामने अगर आपके रीजनेबल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाएंगे बट कुछ एक्सपेंडिचर अदर सोर्सेज में अलाउ नहीं होते जैसे आपका कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ नहीं होगा इंडिया के बाहर अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया या फिर इंडिया के बाहर कोई सैलरी पे किया और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा या फिर इंडिया में रेजिडेंट पर्सन को अगर आपने कुछ भी पेमेंट किया टीडीएस नहीं काटा तो थर्टी परसेंट खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा टेन से ज्यादा का आपने कैश में पेमेंट किया तो वो आपका डिसअलाउड हो जाता है ऐसा अपन पीजीबीपी में भी पढ़ेंगे करके ठीक है चलिए उसके बाद में यहाँ पे तीन केस लॉज दे रखे पहला वाला केस लॉ तो यू कैन स्किप या भिकू भाई बाला भाई बाला स्क्रिप कर सकते हो दूसरा एक केसलो है मंजू एंड कंपनी का, 2011 का। ये में हुआ कि अगर ये जो बंदा था ये लॉटरी एजेंट, एजेंट के पास इज टैक्सेबल एट द ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट टॉपिक वन वन फाइव बीबी करके सेक्शन होती है थर्टी परसेंट से टैक्सेबल होता है बट ये बोलता है कि सिंस इट वॉज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और उसी लॉटरी टिकट पर मुझे लॉटरी लगा है तो इट शुड बी टैक्सेबल एज पर रेट बिकॉज बिजनेस इनकम इज एज पर

क्या ये गिफ्ट माना जाएगा और आपके लिए फिफ्टी सिक्स टू टेन में टैक्सेबल हो जाएगा आंसर इज नो यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना यह है कि जब भी बोनस शेयर मिलते हैं तो आपके ओरिजिनल शेयर की वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी अगर तो इक्वल शेयर मिले तो नियरली क्या होगा कि आपके जो शेयर की वैल्यू है वो आपकी आधी रह जाएगी तो यहां पे कोई ऐसा पर नहीं मिल रहा है यहां पे कोई ऐसा टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो रहा तो इस केस में फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा इसको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद एक टॉपिक मैंने वैल्यूएशन रूल्स वाला दे रखा है टॉपिक नंबर थ्री है इसको आप अगर स्किप भी कर लेंगे तो चलेगा मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए

सेट या जिसको आप VDA बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्चुअल डिजिटल डिजिटल असेट का मतलब होता और आप बोल सकते क्रिप्टो करेंसी तो ये नया टॉपिक है है। इसी साल से आया है. That is from बाय फाइनेंस एक्ट 2022 से ऐड किया है एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द अप्रैल 2022 दैट इज असेसमेंट ईयर 23 24 से ये सेक्शन लगने वाली है सबसे पहली सेक्शन है 115 BBH और 115 BBH ये बोलती है कि अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर करते हो मैं बार बार विडीए वी बोलूंगा वीडीए अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उसकी इनकम पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं इट इज टैक्सेबल एट द रेट 30% जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया कोई बिटकॉइन परचेस किया और बिटकॉइन परचेस किया 10 लाख रुपए में वो बिटकॉइन को मैंने सेल कर दिया कुछ टाइम के बाद और वो सेल कर दिया सेवनटीन लाख रुपीज में तो यहाँ पे सेवन लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ दिस सेवन लाख इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट की रेट से टैक्स लगेगा लेकिन एक चीज समझना सर अगर मान लो वर्चुअल डिजिटल असेट को ट्रांसफर करने पर कोई भी लॉस हुआ तो क्या वो लॉस अलाउ होगा क्या किसी और इनकम सेट ऑफ से हो सकता है आंसर इज नो गाइज अगर वीडीए को ट्रांसफर करने में कोई भी लॉस होता है वो किसी और इनकम सेट ऑफ से नहीं हो सकता एज वेल एज वीडीए का कोई प्रॉफिट से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता करके ठीक है उसके साथ साथ में एक बात बताऊं कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा जो भी आपका जैसे ब्रोकरेज रहता है या आपने कोई और एक्सपेंडिचर किया वो एक्सपेंडिचर वगैरह यहां पे अलाउ नहीं होता मीन आपका सेलिंग प्राइस माइनस कर दीजिए सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेस होता है उसके अलावा कोई भी एक्सपेंडिचर आपका अलाउ नहीं होता तो देखिए मैंने क्या बोला वीडियो को ट्रांसफर करने पर जो भी इनकम होगी दैट इनकम इज टैक्सेबल एट द रेट थर्टी परसेंट फ्लैट थर्टी परसेंट का टैक्स रेट है इसके सामने आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा कोई भी अलाउंसेज अलाउ नहीं होगा कोई भी लॉसेज इसके सामने आप सेट ऑप नहीं

एंड आई एम ट्रांसफरिंग फॉर द सेवन लाख रुपीज मैंने सेवन लाख रुपीज में ट्रांसफर किया तो मुझे थ्री लाख रुपेज का लॉस हुआ तो ये थ्री लाख रुपेज का लॉस क्या होगा ये लैप्स हो जाएगा इसका कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है इट इज गोइंग टू बी लैप्स इसको आप किसी से भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अब एक और चीज समझना सर वीडियो होता क्या है

भी जनरेट किया द्रिप्टो करेंसी एन एफ का मतलब नॉन फंजिबल टोकन है वो आ जाएगा एंड एनी अदर कोई भी गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो एक और चीज समझना में इन्होंने बोला कि नॉन फंजिबल टोकन में कोई भी वो वाला असेट कवर नहीं होगा जो कि फिजिकल है

चीज समझना कुछ असेट ऐसी है कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप वीडियो नहीं मानोगे कौन कौन से तो यहाँ पे अगर कोई भी गिफ्ट कार्ड है गिफ्ट कार्ड का मतलब जो अमेजोन का वाउचर होता है गिफ्ट कार्ड मैंने आपको गिफ्ट कार्ड दे दिया तो गिफ्ट कार्ड है या फिर कोई वाउचर है

फर्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से यह ये सेक्शन ये है कि अगर आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल अटेट या क्रिप्टो करेंसी आप परचेस कर रहे हो तो जो बायर रहेगा वो सेलर का टीडीएस काटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन जो कंसिडरेशन रहेगा उस पर आपको टीडीएस काटना और टीडीएस की रेट रहेगी वन परसेंट ऑफ द कंसिडरेशन वन परसेंट ऑफ द कंसिडरेशन है वो टीडीएस की रेट रहेगी बट टीडीएस तभी काटना है जब कंसिडरेशन है वो आपका टेन से ज्यादा है कोई भी वीडियो खरीद रहे हो और रेजिडेंट पर्सन को जब आप कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको टीडीएस काटनाट ऑफ कंसिडरेशन एंड इफ इट इज मोर देन टेन थाउजेंड कंसिडरेशन तो ही टीडीएस काटना है तो एक बात समझना जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं मैंने आपसे बिटकॉइन खरीदे टू लाख रुपए के तो मैंने आपसे जब बिटकॉइन खरीदे टू लाख रुपए आप रेजिडेंट पर्सन हो मैं पेयर हूं तो मैं टू लाख रुपए आपको जब पे करूंगा और टू लाख रुपए पे करूंगा दैट इज इज मोर देन आंसर यस तो टीडीएस कटेगा टू लाख रुपए रुपीजेंट की रेट से मैं टीडीएस काट लूंगा करके ठीक है लेकिन एक और चीज समझना यहाँ पे लॉमेकर बोलते हैं कि जो ये पेयर है ना वो पेयर का अगर बिजनेस का इनकम नहीं है मीन आई एम नॉट है या फिर बिजनेस का इनकम है बट लास्ट ईयर माई टर्न ओवर इज नॉट मोर देन वन करोड इन केस ऑफ बिजनेस या इन केस ऑफ प्रोफेशन माई ग्रॉस रिसिट वॉज नॉट मोर देन फिफ्टी लैक इन द लास्ट ईयर So, पहली चीज देखिए पहली चीज नॉर्मली ये लिमिट कितना है टेन थाउजेंड का लेकिन अगर जो पेयर है वो पेयर कोई इंडिविजुअल एच है जिसका बिजनेस ही नहीं है जैसे मान लो आई एम सैलरी एम्प्लॉय या फिर मेरा बिजनेस है बट माई लास्ट ईयर टर्न ओवर इज नॉट मोर देन वन करोड़ इन केस ऑफ बिजनेस और ग्रॉस रिसिट नॉट मोर देन फिफ्टी लैक इन केस ऑफ प्रोफेशन तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो लिमिट टेन थाउजेंट है ना ये टेन थाउजेंड की लिमिट की जगह बेटा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का लिमिट हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड का लिमिट हो जाएगा मीस इंस्टेड ऑफ द टेन थाउजेंड यहां लिमिट फिफ्टी थाउजेंड का हो जाएगा तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं सपोज आई एम डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन बट लास्ट ईयर माइ टर्न ओवर इज नॉट मोर देन वन करोड़ और ग्रॉस रिस नॉट मोर देन फिफ्टी लैस तो मैं जब किसी को फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा का पेमेंट करूंगा तो ही टीडीएस काटना है अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना मीन लिमिट फिफ्टी की हो जाएगी अब एक और चीज समझना नॉर्मल केस में क्या होता है जो भी आप टीडीएस काटते हो वो नेक्स्ट मंथ के आप कब तक जमा कराना पड़ता है नेक्स्ट मंथ के सेवन डेज के अंदर अंदर लेकिन एक चीज समझना इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई इंडिविजुअल एच है जिसका बिजनेस नहीं है या बिजनेस है बट लास्ट ईयर का टर्न ओवर और ग्रॉस रिसिट इज नॉट मोर देन वन करोड़ फिफ्टी तो इन 50...

जैसे मेरे पास बिटकॉइन है आगे वाले के पास में मान लो रिप्पल है वो मुझे रिप्पल दे रहा है मैं उसको बिटकॉइन दे रहा हूं ऐसा हो रहा है तो अब इसमें कैसे टीडीएस घटे तो इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर, उस पर आपका टैक्स ऑलरेडी आ चुका है उसके बाद ही आप उसको रिलीज करोगे कंसिडरेशन को अदरवाइज रिलीज नहीं करोगे तो मैं आगे वाले को बोलूंगा कि तू मुझे उतना पैसा दे तो मैं गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करा दू उसके बाद ही मैं उसको जो है बिटकॉइन है वो रिलीज करने वाला

एज वेल एज द एक चीज समझना अगर मान लो आपका वन नाइनटी फोर क्यू जो है वो वन नाइन फोर क्यू में आपको पता है पॉइंट वन परसेंट की रेट से टीडीएस करता है और उस पर्टिकुलर केस में आपको 194S में ही टीडीएस काटना है 1 की रेट से 194Q में टीडीएस नहीं काटना एक और चीज समझना टीडीएस आपको कंसिडरेशन पे काटना पड़ेगा बट एक्सक्लूडिंग द जीएसटी का अमाउंट एंड कमीशन तो जीएसटी कमीशन को छोड़ के बाकी वाले अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना है अब एक बात समझना बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि नॉर्मली क्या होता है अगर मान लो मैं आउट ऑफ द मार्केट आपसे कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा हूं तो मैं इजीली टीडीएस को कंप्लाई कर सकता हूं लेकिन अगर मान लो किसी मैं एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा हूं तो क्या होगा एक्सचेंज मतलब जैसे वजीरेक्स है वजीरेक्स एक है एक वेबसाइट मैं क्या करता हूं वजीरेक्स पे जाता हूं और वजरेक्स के वहां से क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा हूं और मैं कंसिडरेशन वजीरेक्स को पे कर रहा हूं और वजरेक्स क्या करेगा किसी और पर्सन से क्रिप्टो करेंसी है उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है इज बेसिकली एक्सचेंज तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जैसे मान लो मैं बीबी हूं मैं हूं मुझे वजीरेक्स से कर रहा हूं, क्रिप्टो तो वजीरेक्स पे कोई ना कोई ना पर्सन सेल भी तो कर रहा होगा तो एक बात बताइए मैं जब वजीरक्स को कंसिडरेशन दूंगा वजीरेक्स उस पर्सन को कंसिडरेशन देगा टीडीएस कौन काटेगा तो यहां मेकर्स ने क्लेरिफाई किया सीबीडीटी के गाइडलाइंस के थ्रू और यहां पे बोला कि अगर आप किसी एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हो क्रिप्टो करेंसी तो आपको एक्सचेंज का टीडीएस नहीं काटना बिकॉज आपको तो पता ही नहीं कि भाई एक्सचेंज उसका सेलर कौन है वगैरह आपको तो पता ही नहीं और लेकिन जब ये वजीरेक्स क्या करेगा वजीरेक्स पेमेंट करेगा किसको उस पर्सन को सेलर को पेमेंट करेगा तो वजीरेक्स सेलर का टीडीएस काटेगा आपको काटने की जरूरत नहीं है तो देखो मैंने क्या बोला अगर आप किसी एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी परचेज कर रहे हो तो आपको एक्सचेंज का टीडीएस नहीं काटना एक्सचेंज जो रहेगा वो सेलर का टीडीएस काटेगा लेकिन मान लो वो जो क्रिप्टो करेंसी का ओनर एक्सचेंज ही है कोई सेलर है ही नहीं तो आपको एक्सचेंज का टीडीएस काटना पड़ेगा दैट क्रिप्टो करेंसी इज ओन बाय दैट एक्सचेंज ओनली और एक्सचेंज ही बेच रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा एक्सचेंज का बट आपको तो पता नहीं है ना कि एक्सचेंज ओनर है या कोई और ओनर है तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पर ऑल्टरनेटिवली बोला है एक्सचेंज टीडीएस काटेगा तो आप एक दिमाग में एक चीज फिक्स बिटा दो अगर आप एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं ना तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है एक्सचेंज है वो अपने आप टीडीएस है वो काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगा लेकिन एक बात समझना ये तो बात होती है जब मैं बात कर रहा हूं कंसिडरेशन जो मनी में है जैसे आपने क्या किया इंडियन रुपीस दिया और इंडियन रुपीस के सामने आपने बिटकॉइन खरीदा रुपीस दिया बिटकॉइन और, और ये सब करेंसीज के नाम है जो डिजिटल करेंसीज होती है अब एक चीज समझ नॉट डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी अब एक चीज समझना इशू कहां पर आता है कि अगर मान लो मैं जो हूं मैं क्या करता हूं मैं एक्सचेंज के थ्रू मैं बिटकॉइन खरीदता हूं बट मेरा कंसिडरेशन है वो रिप्पल में जा रहा है मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूं और कंसिडरेशन रिप्पल में है तो होगा क्या एक बंदा जो उधर रहेगा देखो ये एक्सचेंज है ये मैं हूं और ये वो सेलर है करके ठीक है अब देखो मेरे को बिटकॉइन खरीदना है बट मैं कंसिडरेशन किस में दे रहा हूं रिप्पल में दे रहा हूं तो मैंने रिप्पल दिया और बिटकॉइन खरीदा करके और मैंने रिप्पल दिया और बिटकॉइन खरीदा अब एक बात समझिए और एक्सचेंज ने क्या किया होगा कि आगे वाले पर्सन जो है वो आगे वाले पर्सन ने बिटकॉइन सेल किया और उसने रिप्पल खरीदा तो एक बात बताओ यहां पे तो क्या हुआ ना कि दोनों लेग हो गए मतलब मैं अपने आप में बायर भी हूं क्रिप्टो का और मैं सेलर भी हूं अपने आप में एज वेल एज वो पर्सन जो है वो भी बायर भी बायर तो दोनों, का। दोनों, का। मतलब दोनों ट्रांजेक्शन जो है उसमें 1 रिपल भी का और 1 जो है वो टीडीएस काटेगा का। मैंने क्या किया बिटकॉइन मुझे खरीदना है बट मैं कंसिडरेशन रिपल में दे रहा हूं तो मैं सेलर हो गया रिपल का करके और बिटकॉइन का बायर हो गया ऐसे कैसे जो पर्सन सेलर है वो पर्सन जो है वो बायर मैं वो बायर किसका है रिपल का और सेलर किसका है बिटकॉइन का तो वो भी बायर सेलर अपने आप में तो यहां पे क्या होगा जो एक्सचेंज होगा ना वो दोनों लैक पे वन -वन परसेंट रिप्पल काट देगा वन परसेंट है वो बिटकॉइन काट देगा करके ठीक है अब वो एक्सचेंज क्या करेगा कि वो जो टीडीएस का अमाउंट है वो टीडीएस का अमाउंट किसी क्रिप्टो करेंसी में पड़ा है, तो है या तो रिप्पल में पड़ा है या बिटकॉइन में पड़ा है तो उसका क्या करेगा तो यहां पे सीबीडीटी ने गाइडलाइंस ये दिया सीबीडीटी ये बोलती है कि देखो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि अगर मान लो जो क्रिप्टो करेंसी में टीडीएस पड़ा है किसके पास एक्सचेंज के पास वजीरेक्स के पास एग्जाम्पल के लिए तो वो जो टीडीएस है वो क्या प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी में है या सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी किसको बोलते हैं तो प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी में यहां पे एग्जांपल दिए जैसे बिटकॉइन है या ईटीएच ईटीएस का मतलब एथेरियम बोलते हैं ठीक है या यूएसडीटी है या यूएसडीसी है ये प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी है और बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो सेकेंडरी है जैसे रिप्पल है वो सेकेंडरी में आ जाएगा करके ठीक है उसके साथ साथ में जैसे यहां पे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है मोनेरो है डेसो है करके ठीक है है मोनेरो डेसो ये तुम्हारे क्या सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी है तो यहाँ पे एक बात समझना अगर मान लो प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी है तो तो कुछ नहीं वो मान लो डीटी ये जो है ये जो प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी यूएसडीसी हो गया यूएसडीसी हो गया बिटकॉइन हो गया एथेरियम हो गया दैट इज द प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी अब एक बात बताओ प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी है तो अभी कुछ नहीं करना लेकिन अगर मान लो TDS का अमाउंट वजीरेक्स के पास में पड़ा है वो सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी में सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है कि अगर मान लो वो जैसे डेसो में है मोनेरो में है ऐसी क्रिप्टो करेंसी रिप्पल में है करके ठीक है बहुत सारी क्रिप्ट सीबा में शिबू करके आजकल एक क्रिप्टो करेंसी आई है उसमें है तो अगर उस क्रिप्टो करेंसी में है टीडीएस का अमाउंट तो क्या करेगा हाथों हाथ वजीर एक्स क्या करेगा एक ऑर्डर प्लेस करेगा और उस सेकेंडरी क्रिप्टो करेंसी का जो कन्वर्ट कर लेगा हाथों हाथ इन द प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी प्राइमरी क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन एथेरियम है, है और यूएसडीटी है यूएसडीसी है और उसके बाद में क्या करेगा जितना भी दिन का टीडीएस का अमाउंट पड़ा है और वो टीडीएस का अमाउंट जो बिटकॉइन एथेरियम यूएसडीटी यूएसडीसी में है रात को बारह बजे वापस एक ऑर्डर प्लेस करेगा कौन ये एक्सचेंज और रात को बारह बजे एक ऑर्डर प्लेस करेगा और उसको क्या करेगा उसको बेच देगा और मनी कलेक्ट कर देगा और वो मनी गवर्नमेंट को जमा करा देगा इन द फॉर्म ऑफ द टीडीएस और वो ऐसे टीडीएस है वो वर्क इस पर्टिकुलर पार्ट में करने वाला है करके अब एक और चीज समझना यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब आप फर्स्ट जुलाई के बाद में कंसिडरेशन पे कर रहे हो बिकॉज ये सेक्शन टीडीएस की देखो

तो उस पर नाइन थाउजेंड खरीदा वो जुलाई से पहले खरीदा तो उस पर टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि पहले तो ये सेक्शन नहीं दी थी उसके बाद मैंने टेन थाउजेंड और खरीदा टोटल नाइनटीन थाउजेंड हो गया तो यहां टीडीएस आएगा आंसर आएगा, बट ऑनलीन टेन थाउजेंड बट लिमिट देखते टाइम पूरे साल का जो कसिडरेशन है वो यहां पे आप कंसिडर

बट बाकी जो है वो ऑब्वियसली आपको एमसीक्यू में मिल सकता है एज वेल एक छोटा मा, चार मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें आपको दे रखा हो कि क्रिप्टो करेंसी इतने में बेचा इतने में खरीदा था ये ये खर्चे हुए थे तो वो खर्चे वगैरह इग्नोर करने हैं सिर्फ सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस है करके ठीक है दोनों के बीच का डिफरेंस है वो थर्टी परसेंट की रेट से आपको टैक्सेबल करना है करके ठीक है चलिए उसके बाद में अभी लाइक एग्जाम फटाफट आने वाला है यार इतने फास्ट फास्ट दे जा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है कितने फास्ट डेज जा रहे हैं बट मैं बता दूँ मे टू एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम डेज बचे हैं और मैं ना मार्च में आपके लिए एक शानदार वाली चीज़ लाने वाला हूँ क्या लाने वाला हूँ वो सस्पेंस है वो अगले वाले रिविजन लेक्चर में बताऊँगा कि मार्च में मैं आपके लिए कुछ लाने वाला हूँ और मैं मार्च में इंडिया टूर करने वाला हूँ कुछ सिटीज़ में वगैरह मैं जाने वाला हूँ कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ आपसे मिलने वाला हूँ अगर आपके पास की वो सिटी है तो पक्का अपन मिलेंगे कुछ प्रोडक्टिव करेंगे छः सात घंटे का डिस्कशन प्रोडक्टिव रहेगा फेस टू फेस आप मुझसे मिल पाएंगे दूसरी चीज़ वो तभी मिल पाएंगे जब आपने रिवीजन लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिए तो जो भी मैं रिवीजन लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ उसको आप एक बार कंप्लीट करके और फिर आप मिलने आइए और उस टाइम पे हम कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करने वाले सब तो मैंने बता दिया इसमें अब कौन सा ऐसा सस्पेंस रह गया करके ठीक है बट चलिए कुछ मैं ढंका बना रहा हूँ बेस्ट है वो आपके लिए कुछ ना कुछ मैं बनाने वाला हूँ दूसरी चीज़ एक चीज़ समझना लाइक पढ़ाई जो है वो बड़ा जरूरी है देखो है ना अपन लोग पढ़ना जो है ना वो प्रोडक्टिव पढ़ना है इफेक्टिव पढ़ना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बार आप एक बड़ी सी बुक लेके बैठे हो और वो पढ़े जा आपको पता ही नहीं पढ़ना क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए यू शुड नो दैट वॉट यू आर स्टडींग करिए ठीक है और कितना अपने दिमाग में आप रिटेन कर पा रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है मैं हॉस्टल में जब देखता था बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ लॉ का पहले मॉड्यूल आता था इतना बड़ा वो मॉड्यूल लेके बैठे रहते थे मैं तो कुछ मस्त वाले जो नोट्स है या शॉर्ट नोट्स या मैं बुक बना देता था शॉर्ट नोट्स करके और मैं उससे पढ़ता था और आई क्रैक एंड दैट पर्सन इज स्टिल नॉट क्रैक द एग्जाम और वो इतना बड़ा बुक लेके बैठा रहता था तो मैं बताऊं बहुत बार ये होता है ना आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है और वो अगर आप चीज़ें करोगे तो मैं बताऊं इजी है मतलब इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है सीए जितना आप सोचते हो और एग्ज़ाम में मैं बताऊं एग्जाम में लाइक जब आप एक ग्रुप की बात करते हो तो अप्रोक्स ट्वेंटी परसेंट रिजल्ट तो रहता है और ट्वेंटी परसेंट रिजल्ट इज नॉट अ लेस रिजल्ट मैं अगर बोलू बोलूँ तो बस वही है थोड़ा एक जो है ना जो पढ़ना है एक जो बोलते हैं एक मोमेंटम है वो मोमेंटम जरूरी रहता है और वो अगर आपने पा लिया ना कि एक मोमेंटम पा लिया अपने आप को खुश रख के और आप पढ़ेंगे तो चीजें है वो ऑलरेडी हो जाएगी एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोइंग इज इज नॉट नॉट इनफ इनफ वी वी मस्ट मस्ट अप्लाई दैट दैट एंड विशिंग डू बिकॉज हर किसी को बनना तो लाइक like, बहुत कुछ है बिकॉज आपके दिल में बहुत सारी चीजें रहती होगी जब आप अभी सी बने लोगों को देखते होंगे किसी ने रैंक लाया किसी ने ये किया किसी ने वो किया कोई आगे जाके कितना आगे चला गया कोई कौन से पार्ट में चला गया अपन विश करते हैं कि शायद वहां पे मैं जाऊं पर उसके लिए करना पड़ेगा ना डोंट ओनली टारगेट्स पे ध्यान मत दो यू शुड फोकस टू रहे हो ना दैट इज द प्रोसेस उस पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो सब चीजें अपने आप हो जाएगी बहुत सारी चीजें ना अपने आप होती है कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता कोई चीजों को ऐसे बता नहीं सकता कि पांच साल बाद ये होने वाला है मैंने मेरे पांच साल पहले ये नहीं सोचा था मैं आज यहां पे रहूंगा या मैं आज नहीं सोच सकता पांच साल बाद मैं कहा रहूंगा बिकॉज बहुत सारी चीजें बड़ी एक्सीडेंटल रहती है बड़ी चीजें बट बड़ आप आपकी मेहनत तो आपको पता होनी चाहिए ना आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपको पता होनी चाहिए और बहुत अच्छा लगता है जब अपन सीए बनते हैं जस्ट यार डू इट यार थोड़ा सा मेहनत कर लो थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लो कि थोड़ा और करके ठीक है थोड़ा और कर लो और अपने आप को इतना बोल दो अपने आप से कि यार जितना अपने से होता था अपन ने कर लिया उससे ज्यादा अपने से नहीं हो सकता था जिस दिन आप वो वाले मोमेंट वो वाले सिचुएशन पे आ जाएंगे कि यू कैन से टू योर सेल्फ यहाँ पे हाथ रख के आप बोल सकते हो कि यार मैंने बीवी जितना हो सकता था मैंने कर लिया इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा मैं बताऊ आप आराम से क्रैक कर पाओगे आराम से लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे एंड यार एग्जाम इज जस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी है बिकॉज है ना मेनी टाइम ये जो लाइन है कि विशिंग इज नॉट इनफ वी मस्ट डू दैट बिकॉज अपनी विश तो बहुत है हमारे गांव में जब छोटे थे तो बोलते थे कि लाइक लोग सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए बट भगत सिंह बाजू वाले के घर से अपने घर से नहीं अपने घर वाले भगत सिंह को हम थोड़ी शहीद कर लेंगे भगत सिंह होना चाहिए बट अपने घर से नहीं बाजू वाले के घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज कहीं पे ऐसा बोला है कि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखता है तो अगर स्वर्ग दिखना है ना अगर के ठीक है तो खुद को तो मरना ही पड़ेगा खुद को तो एफर्ट लगाना ही पड़ेंगे खुद को तो इस कम्फर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा और जिस दिन आप इस कम्फर्ट जोन से बाहर आ जाओगे जब आप लड़ने लग जाओगे और बाकी चीजें छोड़ो यार बहुत सारे लोग जस्ट दे आर डिस्कसिंग अबाउट अदर पीपल लाइक मेरे को भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो आपके बारे में ये बोल रहा है यार वो भी मैं सोचने लग जाऊंगा तो फिर वो क्या सोचेंगे करके ठीक है सो डोंट थिंक अबाउट दैट एंड इफ यू आर डूइंग दैट डोंट डू दैट यू आर ओनली मेकर एंड ब्रिकर ऑफ योर लाइफ जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ एक ही तो बार मिली है करके ठीक है मेहनत कर लो और कुछ ढंग का कर लो करके ठीक है चलिए आज के लिए इतना बहुत है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं पीजे के साथ थैंक्स थैंक